नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्रावणी मेला में इन स्थानों से देवघर के लिए 24 घंटे चलेगी परिवहन विभाग की बसें। खेल कोटा से सरकारी नौकरी पाने के लिए इस दिन तक करें आवेदन। विवाहित महिलाओं को पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा आरक्षण। ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 की तारीख घोषित। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में बिहार के लाल का बजा डंका। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एयरपोर्ट पर दिसंबर तक पूरा होगा पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए इस वर्ष के जनवरी महीने से 1389 मीटर लंबा पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण शुरू किया गया है, जो कि इस वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। बता दें कि निर्माण कार्य जुलाई महीने तक पूरा होना था, लेकिन 3 महीने तक जमीन पर कुछ अवरुद्ध होने के कारण प्रोजेक्ट का काम रुक गया था, जिस वजह से अब यह काम दिसंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इस पैरेलल टैक्सी ट्रैक का केवल 64% काम ही पूरा हो सका है। मालूम हो कि पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण हो जाने से लैंडिंग के 1-1.5 मिनट के बाद ही रनवे पूरी तरह खाली हो जाएगा और हर 2-3 मिनट पर विमान उतर सकेंगे। राजगीर जू और नेचर सफारी के समय में बदलाव। गर्मी को देखते हुए राजगीर जू और नेचर सफारी के समय में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक और 3 से शाम 4 बजे तक स्लॉट बुक किया जा रहा है, जबकि पहले आम दिनों के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार घूमा जा सकता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप नेचर सफारी घूमने के लिए घर बैठे ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टिकट देने की व्यवस्था प्रतिदिन 60% की गई है, तो वहीं ऑफलाइन टिकट देने की व्यवस्था 40% की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जू सफारी की ऑनलाइन बुकिंग आप ₹250 में 7 दिन पहले करा सकते हैं। वहीं नेचर सफारी की बुकिंग आप ₹300 में करा सकते हैं, जिसमें ग्लास ब्रिज भ्रमण भी शामिल है। श्रावणी मेला में इन स्थानों से देवघर के लिए 24 घंटे चलेगी परिवहन विभाग की बसें। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत 4 जुलाई से होने वाली है। ऐसे में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बिहार के भागलपुर और सुल्तानगंज से देवघर के लिए 24 घंटे बसों का परिचालन किया जाएगा, जिसकी कुल संख्या 5 होगी। बता दें कि इसको लेकर निगम की ओर से तैयारियां कर ली गई है और इन सबके अलावा निगम की ओर से रूट और भाड़ा भी तय कर लिया गया है। मालूम हो कि 24 घंटे बसों का परिचालन होने से कोई टाइम टेबल नहीं बनाया गया है, केवल सुबह 6 बजे से बसों के परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि इन 5 बसों में से 2 बस भागलपुर व 3 बस का परिचालन सुल्तानगंज से किया जाएगा। बता दें कि 4 जुलाई से पहले 3 बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, वहीं उसके बाद 2 बसें और चलाई जाएंगी। वहीं अगर किराए की बात करें तो भागलपुर से देवघर का किराया ₹186, जबकि सुल्तानगंज से देवघर का किराया ₹157 तक निर्धारित किया गया है। किशनगंज में निर्माणाधीन पुल का पाया धंसने के मामले में 4 अधिकारी हुए सस्पेंड। NHAI बिहार जोन के क्षेत्रीय प्रबंधक अवधेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज पुल क्षतिग्रस्त मामले में NHAI के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए पुल निर्माण से जुड़े 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और अब इस मामले की जाँच शुरू हो चुकी है। बता दें कि अवधेश कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस पुल का निर्माण ₹1500 करोड़ के NH चौड़ीकरण के तहत GR इंफ्रा कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। वहीं इस पुल के क्षतिग्रस्त मामले की जांच के लिए चेन्नई से एक टीम को बुलाया गया है। मालूम हुआ कि पुल का पिलर गिराने से एक बार फिर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार जिस पुल का पिलर गिरा है वह केंद्र सरकार की योजना है। खेल कोटा से सरकारी नौकरी पाने के लिए इस दिन तक करें आवेदन। बिहार में खेल कोटे से विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवार 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 30 जून के बाद आवेदन पोर्टल बंद हो जाएंगे। हालांकि सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ वही खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं जो बिहार के निवासी हो और जिन्होंने किसी स्पोर्ट्स में मेडल हासिल किया हो। इसके साथ ही वैसे भी खिलाड़ी जिन्होंने दूसरे राज्य में भी मेडल जीता है उन्हें भी नौकरी का मौका मिलेगा। इसके लिए खिलाड़ी की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इच्छुक खिलाड़ी आवेदन करने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार एक पद के लिए खिलाड़ी का एक ही आवेदन मान्य होगा। नमामि गंगे के 8 साल पूरे होने पर गंगा सफाई पर आई बड़ी रिपोर्ट। नमामि गंगे के 8 साल पूरे होने पर गंगा की सफाई को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार के द्वारा यह दावा किया गया है कि पिछले 8 सालों में प्रारंभिक समस्याओं को दूर रखते हुए नदी की मुख्य धारा पर सफाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में अब सहायक नदियों पर ध्यान देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि गंगा नदी के जल के साफ होने का प्रमाण यह है कि गंगा नदी में अब पहले की तुलना में डॉल्फिन और जैव विविधता में बढ़ोतरी आई है। इसके साथ ही रासायनिक प्रशिक्षण और प्रयोगशाला की जांच से भी स्पष्ट हुआ है कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। पिछले 2 वर्षों में काफी कुछ काम हुआ है और अब तक 3000 MLD जलमल शोधन क्षमता तैयार हो चुका है।
स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में बिहार के लाल का बजा डंका। बिहार के युवा हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, इससे तो हम सभी वाकिफ है। बता दें, किसी के तहत बर्लिन में संपन्न हुए स्पेशल ओलंपिक गेम्स में बिहार के जहानाबाद के एक युवक ने बिहार का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि हम जिस युवक की बात कर रहे हैं उसका नाम गजेंद्र कुमार है, जिसने पारा ओलंपिक के अंतिम दिन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया है। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने एथलेटिक्स के शॉटपुट प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बर्लिन से भारतीय एथलेटिक्स टीम के कोच और बिहार के इंटरनेशनल पैरा एथलीट संदीप कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गजेंद्र कुमार के द्वारा यह रजत पदक 1:13:46 के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मालूम हो कि इस बारे में एथलेटिक्स में भारत की ओर से कुल 13 पदक जीते गए हैं। विवाहित महिलाओं को पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा आरक्षण। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अब ऐसे विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो, तो उनके दावे को उनके पति के आधार पर जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अब ऐसी विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ उनके पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा, चाहे महिला की शादी राज्य के बाहर ही क्यों न हुई हो। आपकी जानकारी बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह निर्देश आवेदन के दौरान विवाहित महिलाओं को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 की तारीख घोषित। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने बीपीएससी की ओर से ली जाने वाली ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले थे, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से स्वास्थ्य विभाग सरकार के तहत ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करने के लिए अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दरअसल बीपीएससी की ओर से परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसके तहत परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई से 10 जुलाई तक दो पालियों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें से पहली पाली सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि इस भर्ती के तहत कुल 55 वित्त पदों को भरा जाना है। वंदे भारत ट्रेन का जहानाबाद में ठहराव न होने से सांसद ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जहानाबाद में न होने से लोगों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। मालूम हो कि वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल के दौरान ट्रेन को जहानाबाद में रोका गया था, जिससे लोगों के बीच खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब रेलवे की ओर से जारी किए गए शेड्यूल में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव जहानाबाद में नहीं दिया गया है। ऐसे में ट्रेन का जहानाबाद में ठहराव सुनिश्चित करवाने के लिए सांसद चंदेश्वर प्रसाद के द्वारा रेल मंत्री को पत्र लिखा गया है कि बजट सत्र के दौरान आपसे मुलाकात कर अपने लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद के लिए रेल सुविधाओं को बढ़ाने की मांग किया था, जिस पर आपने मुझे आश्वस्त किया था कि पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का ठहराव जहानाबाद में जरूर होगा, लेकिन जारी किए गए शेड्यूल में ट्रेन का ठहराव जहानाबाद में नहीं है, जिससे क्षेत्र के लोग काफी आहत हुए हैं। इसलिए वंदे भारत ट्रेन का जहानाबाद में भी ठहराव होना चाहिए। सब्जी खरीदते दिखे सीएम नीतीश के प्रधान सचिव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वे सब्जी खरीदते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह तस्वीर पटना के राजेंद्र नगर सब्जी मंडी की है, जहाँ वे शाम को सब्जी खरीदने पहुंचे थे, तभी किसी व्यक्ति के द्वारा फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जो अब वायरल हो रहा है। मालूम हो कि इससे पहले भी उन्हें ठेले पर जलेबी खाते देखा गया था। इसके अलावा एक दिन उन्हें रिक्शे पर बैठकर मौर्यालो की सैर करते देखा गया था। वहीं अब इस बार इन्हें सब्जी मंडी से आम लोगों की तरह सब्जी खरीदते देखा गया है। इस दौरान वे मोल भाव भी करते नजर आए। वहीं उन्होंने सब्जी लेने के दौरान किसी को बताया भी नहीं कि वे कौन है और न ही उन्हें किसी ने पहचाना। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सहूलियत। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को अक्सर जनरल टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसी को देखते हुए रेलवे की ओर से जारी किए गए यूटीएस ऐप के माध्यम से 1 सेकंड में अपने मोबाइल फोन से अपने लोकल ट्रेन का टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट बुक किया जा सकता है। इसके साथ ही आप इस ऐप की मदद से अब MST और यूनिवर्सल पास तक की बुकिंग कर सकते हैं। मालूम हो कि यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में काम करती है, जिसे रेलवे की ओर से वर्ष 2014 में जारी किया गया था। मालूम हो कि पहले इस ऐप की मदद से केवल टिकट लेना ही संभव था, लेकिन अब इसके माध्यम से पार्सल बुकिंग तक किया जा सकता है। परिवार संग विदेश घूमने जा सकते हैं तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ अरब और एशियाई देशों में घूमने के लिए जा सकते हैं। बता दें कि इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी उनके साथ होंगी। मालूम हो कि इसको लेकर तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वह वीजा और अन्य जरूरी कागजात बनवाने का काम करेंगे, लेकिन इन सबके बीच ऐसी खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव इसी सप्ताह विदेश घूमने जा सकते हैं। मालूम हो कि बेटी के जन्म होने के बाद तेजस्वी यादव का अपनी पत्नी के साथ पहला विदेश दौरा होगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा कुछ दिनों पहले ही अपनी बेटी का पासपोर्ट बनवाने का कार्य किया गया था। हालांकि विदेश यात्रा को लेकर लालू परिवार की ओर से अब तक कुछ नहीं कहा गया है।
फ्लाइट में कैंडी क्रश खेलते दिखे धोनी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी पत्नी साक्षी के साथ इंडिगो की फ्लाइट में यात्रा करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो में धोनी यात्रा के दौरान अपने टैबलेट में पजल गेम कैंडी क्रश खेलते नजर आ रहे थे। इस दौरान इंडिगो की एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंची और मिठाई और चॉकलेट गिफ्ट की। इसके साथ ही एयर होस्टेस ने धोनी को एक चिट्ठी भी दी। वहीं धोनी ने इस दौरान चॉकलेट की जगह ओमानी खजूर का पैकेट उठाया। यह सब बगल में बैठी उनकी पत्नी साक्षी देख रही थी। इस दौरान एयर होस्टेस ने धोनी से बातचीत भी की। बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियो पर कई लाइक्स और कमेंट मिल रहे हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेंद्र पांडे, नोनू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, सचिन कुमार, कुमारी संजना, उमेश कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी, पीके पासवान, कमलेश शर्मा, उमेश ऋषिदेव, नौशद अंसारी, सदुल्लाह पलवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकिशोर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सरकार की ओर से खेल कोटा से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना खिलाड़ियों के लिए कितना फायदेमंद होगा। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।